प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव पढ़िए, एक्टिव पैसिव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाते हुए भी वही नियम रहेंगे जो कि पहले बताए गए हैं, जैसे आई के साथ आई करता जब कर्म में बदलेगा तो आई करता है मांगिया तो मी में बदल जाएगा जब कर्म में बदलेगा, तो ऐसे ही वी अस में, यू यू रहेगा, दे देम में, बॉय यानी कॉमन नाउन रहेगा, ही हिम में बदलेगा, शी हर में बदलेगा, हु बाय हुम में बदल जाएगा, हु बाय हुम में बदल जाएगा, हु बाय हुम में बदलेगा। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे एक्टिव पैसिव कोई सा भी हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक वचन के साथ जब पैसिव बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो एक वचन के साथ हैज बीन, एच ए एस हैज बीन, और बहुवचन के साथ हैव बीन हो जाएगा, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल कर बदल जाएगा, जैसे आई मी में बदलेगा। अब यदि हम इसके सेंटेंसेस पर निगाह डालें तो आई हैव रेड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। अब जब पैसिव बनाएंगे तब भी चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि शब्द जो इसके अंत में आए हैं वही उसके अंत में भी आएंगे पैसिव बनने के बाद। द बुक हैज बीन रेड बाई मी, द बुक हैज बीन रेड बाई मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है, द बुक हैज बीन रेड बाई मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है। अब यदि नेगेटिव सेंटेंसेस को लें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव है अगर, तो आई हैव नॉट रेड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। और यदि इसका पैसिव बनाएंगे तब द बुक हैज नॉट बीन रेड बाई मी, यानी हैज या हैव के बाद नॉट लग जाएगा, द बुक हैज नॉट बीन रेड बाई मी। अब यदि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो हैव आई रेड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, हैव आई रेड द बुक। अब इसका पैसिव बनाएंगे हैज द बुक बीन रेड बाई मी, हैज द बुक बीन रेड बाई मी, अर्थात हैज या हैव वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है पैसिव में भी। इसके बाद हु हैज रेड द बुक, किताब कौन पढ़ चुका है, किताब कौन पढ़ चुका है, किताब किसके द्वारा पढ़ी जा चुकी है पैसिव में आएगा, किताब किसके द्वारा पढ़ी जा चुकी है, बाई हूम हैज द बुक बीन रेड, बाई हूम हैज द बुक बीन रेड। थैंक यू वेरी मच।